नई नवेली दुल्हन कमल आफ्ताब ने चांद रात कैसे मनाई आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। कमल आफ्ताब ने खुद को मेहंदी लगाने के बजाय अपने दूल्हे को ही मेहंदी लगा दी। जी हाँ, कमल आफ्ताब ने अपने शोहर जुल्कुरनैन को मेहंदी लगा दी और हाथ पर मेहंदी में क्या लिखा आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको शोबिज़ से आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले और बरवक्त मिल सके। नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कमल आफ्ताब और जुल्कुरनैन सिकंदर मशहूर और मारूफ टिकटॉकर्स हैं। दोनों के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और रिसेंटली दोनों ने शादी कर ली है। दोनों की शादी के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे रहे और अब दोनों ही शादी के बाद अपनी इकट्ठी टिकटॉक वीडियोस अपने मुद्दाओं के साथ शेयर करते हैं, जिस पर उनके मुद्दा बहुत खुश होते हैं। कमल आफ्ताब और जुल्कुरनैन सिकंदर दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्यार है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। कमल आफ्ताब और जुल्कुरनैन सिकंदर की शादी के बाद ये एक साथ पहली ईद है और ईद उल फितर के मौके पर जब चांद रात और ईद उल फितर के मौके पर जब शवाल का चांद नज़र आ गया है तो ये नया नवेला शादीशुदा जोड़ा एक साथ पहली दफ़ा चांद रात सेलिब्रेट कर रहा है। शादी के बाद दोनों ने चांद रात पर क्या किया आइए आपको दिखाते हैं। कमल आफ्ताब ने खुद को मेहंदी लगाने के बजाय अपने शोहर को ही मेहंदी लगा डाली। आप देख सकते हैं कमल आफ्ताब ने कितने प्यार से अपने शोहर जुल्कुरनैन सिकंदर के हाथ पर अपना नाम लिखा है और ये जुल्कुरनैन सिकंदर की फरमाइश थी। जुल्कुरनैन सिकंदर के कहने पर कमल आफ्ताब ने अपना नाम मेहंदी से जुल्कुरनैन के हाथ पर लिखा है और साथ ही हार्ट बनाया है। आप देख सकते हैं दोनों में कितना प्यार है और दोनों एक दूसरे से इस तरह से प्यार का इजहार कर रहे हैं और चांद रात को दोनों बहुत ही प्यारे तरीके से मना रहे हैं। आपको जुल्कुरनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब का कपल कैसा लगता है और दोनों की वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं या नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि दोनों का चांद रात पर प्यार का इजहार करने का ये तरीका कैसा लगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।